हजरत जी आज के दिन नौजवान आखे नमाज पढ़िया करके कल पढ़ांगा, आज किसे ने आखे रोजा रखे करके कल रखांगा, आज किसे ने आखिए गुनाह छोड़ दे कहंदा कल छोड़ देवांगा। बड़े नौजवान इत्थे बैठे होणगे रात इरादा करके लेट देना मैं सवेरे नमाजी बन जाना है, ना फला गुनाह छड़ देना है, ना कल छड़ देवांगा, मैं कल नमाजी बन जावांगा। पर नौजवान जाओ एक चक्कर कब्रिस्तान जाके लगा के आओ, कब्रिस्तान च लखां लेते ने वो भी कहंदे सन मैं कल नमाजी बन जाना है, कल मैं सारियां नेकियां करनियां गुनाह छड़ देने ने, उहनां दी जिंदगी विच कल आई कोई ना। अज का नौजवान चौक खलो के सारी रात जाग लैंदा, फेसबुक से भी सारी रात पता ही नहीं चलता, कहते रात गुजर गई, व्हाट्सएप से भी रात जाग लैंदा, केवल देखते रात गुजर जाती, कारोबार च घाटा पै जे रात नींद नहीं आती, घर च अजीज रिश्तेदार आ जा ना बंदा कप्पा मार के मूंगफली खा के सारी रात सर्दियों की लंबी रात गुजार देता, पता ही नहीं चलता। अल्लाह ना करे पेट च दर्द बीमारी आ जाए ना तो बंदा हाय हाय करके सारी रात जाग लैंदा, तू आवाज आउंदी है कारोबार लई भी जाग लैंदा, यारां लई भी जाग लैंदा, चौकां च भी जाग लैंदा, कारोबार ते इज्जत लई भी जाग लैंदा, तू बीमारी लई भी जाग लैंदा, सारे लई जाग लैंदा, कदे मेरे लई भी जाग लिया, सारी जिंदगी दी रात अपनी मर्जी दी गुजारन वाले, कदे कोई एक रात साडी मर्जी दी गुजार, फिर तू कब्र च टुर गयो, मेरा कुरान कयामत तक तेरी रात दे तज़किरे करदा रहेगा। नौजवानों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू ते तुहानू पैदा किया अपनी इबादत दे वास्ते, असी ओ जिहड़ा वादा करके आए भुल गए, असी ते आए सा इबादत करन वास्ते, कान्हा दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मेराज करके आए ना वापस, तुहानू याद ना अल्लाह ने 50 नमाजां दा तोहफा अता कीता, हजरत मूसा मिले ते वापस भेजा, फिर मिले फिर वापस भेजा, आख्या मेरी उम्मत ते 3 नमाजां फर्ज सन, ओ 3 नहीं सन पढ़दे, इन्हां 50 किथे पढ़नियां, वापस जाओ, हजूर गए, अल्लाह ने 5 फिर गए, फिर 5 फिर गए, फिर 5 घटा दित्तियां, 9 चक्कर लगाए ते 9 5 9 9 9 45 हो गई माफ। हजरत मूसा ने आख्या एक चक्कर होर लगाओ, ते कई बेली पता कहंदे ने की सी जे ला लैंदे, की चीज़ होर एक चक्कर लगा लेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम भी मशवरा दिता कि एक चक्कर होर लगा के आओ, नबी पाक ने फरमाया कि मैनु यकीन मैं गया ते रब ने 5 भी माफ कर देनिया ने, मगर हुण मैनु उहदे कोलों हया आंदी है भई कि मेरे रब ने कहना 5 दे रहे हैं, ये भी नहीं पढ़न लगे, कालां दे वाली जिहड़े वेले 45 नमाज़ां माफ करा के 5 लखे आउण लगे, ख्याल आया जे 50 पढ़दे सवा 50 दा मिलना सी, मैं 5 लैके चलिया 45 माफ करा के चलिया, अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आ तेरी उम्मत 50 नमाजा फर्ज कीतिया, हुण 45 माफ ने 5 रह गईया, पर सोनिया फिक्र ना करी सिफर असा रख ले है, 5 तुसी लै जाओ, गुलामन आखे आ जे 5 5 पढ़ के भेज दे रे आ जे, असी सिफर लगा के 50 50 बना के रख दे रहा, नारे रिसालत अजमत शान मुस्तफा मुकाम मुस्तफा हजरत अल्लामा इमरान आसी साहेब, क्या बात है आसी साहब, क्या बात, 5 पढ़ के भेज असी 50 बना के रखांगे, तेरे सबाब च कमी नहीं कीती क्योंकि करीमा ते रहीमा दे नाल वास पै गया ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सुने इन्हां नूं कहे सबाब मैं 50 दे देवांगा, असरात मेराजुल मुमिनीन नमाज च अल्लाह ने मोमिना दी मेराज रख दी, एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी सारे रात गुजर रहे थे, आपने एक परिंदा देखा, परिंदा कीचड़ च जाके ना ते अपने आप नो लिथड़ लैंदा है, गंदा कर लैंदा है, फिर आके ते पानी में गुसल करदा है ते अपने जिस्म नो साफ करदा है, फिर जाके कीचड़ च लेटदा है, जदों दा सारा जिस्म गंदा हो जांदा फिर पानी दे अंदर गोता लगांदा है, बाहर निकलदा साफ हो जांदा है, फिर कीचड़ च गया, फिर पानी में, फिर कीचड़, 5 मरतबा कीचड़ च ते पानी च जाके उन्हें अपने जिस्म नो गंदा भी किया ते साफ भी किया, हजरत ईसा अलैहि सलाम नजारा वेख के अल्लाह ना गली पै गए, अर्थ कीती जी एक ही प्या करदा है, अल्लाह ने फरमाया ए मुस्तफा दी उम्मती दी मिसाल है, फरमाया सवेरे सवेरे उठेगा ते गुनाह शुरू,
जोहर पड़ेगा ते पिछले माफ, जोहर तो लेके असर तक, फिर जाके ने दुनियादारी करनी, फिर गुनाह सगीरा हो जाने। असर पड़ेगा जोहर तो असर दे दरमियान वाले सारे माफ, फिर गंदा होके आवेगा फिर माफ, फिर गंदा होके आवेगा इशा तक माफ। रात नु गुनाह होवन, सवेरे उठ के फजर पड़ेगा राती भी माफ। हो सकता है किसी के ज़हन च नौजवान का ख्याल आवे आसी साहब मैं ते कल अजे तौबा की सी ते अज फिर गुनाह हो गया। शैतान दिल च वसवसा पांदा हुण केड़ा मुख लेके जाना है, अजे कल तौबा की अज फिर गुनाह कर लिया हुण ना जाई। अल्लाह फरमांदा बंदिया शैतान दी अख लाके किधरे मेरा बुआ ना छोड़ देवी। अल्लाह फरमांदा बंदिया जे गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर गुनाह हो जाए फिर आ जाई, फिर हो जाए फिर आ जाई। अल्लाह फरमांदा मेरा दरवाजा ना छड़ी, जे तेरी गुनाह की आदत हो गई है साडी भी माफी की आदत हो गई। मायूस ना हो मेरे दरबार तो आ जाया कर, जे साडे बुवे ना आवे ते जाना भी किथे, आ जाया कर। इंसान ते गुनाहगार है, मेरे नबी ने फरमाया आदम दी सारी औलाद सिवाय अंबिया तो गुनाहगार है, पर हजूर ने फरमाया चंगा गुनाहगार होवे जेड़ा गुनाह करके तौबा कर लवे। चंगा गुनाहगार होवे गिरामी कदर हजरात, मगर दुनियादारी ने सानू बुला देता। असी दुनिया ते आके ना ते एदियां लज्जतां वेख के भूल गए, पर अल्लाह ने मेरा तेरा ज़मीर झंझोड़ के कुरान च पता की फरमाया। बड़ा कुरान ये अज तकरीर थोड़ी लंबी हो जाए ते मैं माज़रत खा पहले, क्योंकि मेरा फेवरेट मौजू है। सारा कुछ भी सुना सकना अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ा कुरान, पहले सुनो कुरान ते फिर सुनो हजरत सखी सुल्तान बाहू दा कलाम। अल्लाह ने रिजा फरमाया वमा हाज़िहि हयात दुनिया इल्ला लहवो वलाइब व इन्न दार अल आखिरत लही अल हयवान लौ कानु यअलमून। दुनिया का निजाम पिया वेखना ना अल्लाह फरमांदा खेल ते तमाशा ही, किधर इनो अपनी अपनी जिंदगी ना समझ लवी, इनो किधर मुस्तकिल ना समझ ली। अल्लाह फरमांदा जेड़ा तेनु नजर आ रहा ना दुनिया का तमाशा खेल है, तमाशा है। वा इन दार अल आखिरत लहियल हयवान, अल्लाह फरमांदा तेरी जिंदगी ओ वे जड़ी आखिरत की जिंदगी है। लौ कानु यालमून, काश के इंसान तो समझ आवे। तेरे बाहू ने तर्जमा के जो फरमाया इस दुनिया उत्ते आया आया ते पूरी दुनिया दारा उज न राम लिख दे ए खर्च न कीती ओ लैन गजब दिया मारा तर्क दुनिया की बाहू ओ लैसन पाग बहारा। मैंने पता है ना गल्लां ते सुभान अल्लाह जरा औखी निकलदी है, मगर मैं तुहानूं पहले अर्ज कीता सी कि मैं इंशाअल्लाह तकरीर पूरी सुना के जाऊंगा। सुभान अल्लाह, जिहड़े बेली ने हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बंदा फड़ के चुके बोलो सुभान अल्लाह।
मैंने स्टेज वाले का बहुत भाई थोड़ा जहा सुभान अल्लाह आवाज ज्यादा चाहिए, तुम मेरे गवांडी हो, गवांडी का हक बहुत आता है। हाँ बिल्कुल मेरे करीब बैठे हो ना, वेखो इन्होंने नाले तुसा दसना, मेरा ड्राइवर कहता हूँ कि फ्रंट वाली सवारी सो जाए ना तो ड्राइवर को नींद आ जाती है, तुम बैठे हो फ्रंट वाली तुहाडा जागना बड़ा जरूरी है, तुम जागो तो इंशाला थोड़े वाल वेखे सुभान अल्लाह। सारे बोलो हज़रत जी बादशाह एक रात नो आराम करन लगा अपने महल दे अंदर सर्दियां दी यख रात लेटन तो पहले उन्होंने ख्याल आया कि मैं ताज़ा हवा लवां, ने खिड़की खोल के बाहर देखा ते बार रोड ते सड़क ते एक दरवेश फटिया पुराना कंबल ते अद्धा नीचे बिछा के सड़क ते अद्धा उपर लैके ना ते लेटन ते आराम करन लगा। बादशाह नो ख्याल आया कि मैं वक्त दा बादशाह वहां, मेरे कमरे च हीटर भी लगे है, महमली बिस्तर भी है, मैं सर्दी च सोवां लगा ते मैनूं फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। ये दरवेश सड़क के किनारे फटिया पुराना कंबल जमीन पे रख के ते अद्धा ऊपर लेके लेट लगाए, इदी रात किवें गुजरेगी? रात गुजरी जिवें गुजर गई। सवेरे बादशाह ने ना अपने महल च बैठ के ते ओ दरवेश नु पैगाम भेजा, जरा बादशाह कहंदा मेरे महल च मेरी गल सुन के जा। दरवेश ओ ही फटिया जा पुराना जा कंबल लेके आया ते बादशाह ने सारे दरबारियों के सामने पूछा, बाबा रात किवें गुजरी? बादशाह ख्याल है कि दरवेश कहेगा कि सर्दी में ही गुजर गई, कंबल नवा दे दियो, पर फकीर ने ते बादशाह का मान ही तोड़ के रख देता। फकीर बादशाह वाल वेख के कहन लगा, बादशाह कुछ तेरे जी गुजर गई ते कुछ तेरे नाल चंगी गुजर गई है, तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। बादशाह ने ख्याल आया तू मेरे पर की किवें गुजार ली, सारी रात महमली बिस्तर के अंदर गुजारी है। कह लगा मैं ते हीटर वाले कमरे च रात गुजारी, तू सड़क ते फटिया पुराना कंबल लेके लेटा रहा है, दस तेरी रात मेरे वर्गी की मैं गुजर गई ते मेरे नाल चंगी ते गुजार सकदा ही नहीं। दरवेश बादशाह वाले के कह लगा, बादशाह अभी रात अग तू भी सुता रहा मैं भी सुता रहा, मैनू नहीं पता मैं सड़क ते सुता वा, तेनू सुतिया नहीं पता मैं महल च सुतिया वा, जेड़े वेले अधी रात रात डल गई तू सुता रह गया, कि अल्लाह की याद शुरू कर दी थी, जड़ी सुपिया गुजर गई वो तेरे की गुजर गई, जड़ी ओदी याद च गुजर गई तेरे नालो चंगी गुजर गई। या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बे मुर्शद चुप रहे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरात बाबे ने आख्या कुछ तेरे जई ते कुछ तेरे नाल चंगी गुजर गई। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह ने फरमांदे ने चिट्टी चौदर ए चिट्टी चौदर चुप रहे मुर्शिद वाला पढ़े अल्लाह आवाज आया वे कुली फकीर दी सानू पता है बचना उन्हें ही है जेड़े इन्हों की कश्तियां च बह जाते हैं। अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम की कौम से तूफान का अजाब आया,
आंधी दा दाता अर्ज की थी अल्लाह आ जेड़े मेरे ने इना दा की बनेगा अल्लाह पर मैं इना नु खड़ा करो ते इना दे इर्द गिर्द एक दायरा लगा दियो एक लाइन लगा दो किता आपने लाइन लगा दी थी अजाब आया आबादा लोग टकरा के पहाड़ नाल ते टुकड़े टुकड़े हो गए ते ओ जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना इस तरह करके ना अपने मथे दा पसीना पे साफ कर दे नहीं समझे इन्नी तेज आंधी ते तूफान के काफिर पहाड़ ना टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए फट गए पर एडी तेज हवा उन्हां दे मथे दा पसीना ना सुका सकी जेड़े नबी दे दायरे दे विच असि एवें नहीं अल्लाह दे नबियां ते वलियां दे बूहे जांदे बचदा ओ ये जेड़ा इन्हां दे दायरे दे विच आ जावे आपने फरमाया माई जी अजाब आने वाला है ते आके कश्ती च वेले नाली बैठ जाया जे मैं तीन मंजिला कश्ती बनाई माई कहती हजूर जद आए ना वेला अजाब दा ते आ जरा मैनू पैगाम पहले भेजा जे मैं वडेरियां ते हौले हौले टुरदियां आउणा है ते जरा मैनू पहले ही पैगाम भेजा जे आपने फरमाया अम्मा जी पैगाम भेज देवांगे नौजवान जड़ वेले अजाब आ गया तीन महीने तक अजाब रहा पानी दे अंदर दुनिया डुब गई अजाब खत्म जूदी पहाड़ी भी चोटी दे आके कश्ती रुक गई अल्लाह दे नबी जमीन ते तशरीफ ले आए एक दिन उस जंगल च गुजरे निगाह उठा के कहन लगी नबी अल्लाह चलिए अजाब आने वाला है फरमाया अम्मा जी अजाब आके टुर भी गया है ते माई चरखा गेड़ के कहन लगी अल्लाह अल्लाह ही कर दी रही हूं ना अजाब आउंदा पता है ना जान दा पता मेरे घर बिस्तर ते बेड ते बड़े प्यारे ने पर मेनू रात नींद सुकून दी नहीं आती जेड़ा कहंदा ना मेरी औलाद ते है मगर बेअदब है अपने मालिक ना लो ते लगा अद्धी रात वेले दी बारगाह च कदे रुकू ते कदे सजदे च नीवा होके आखे सुभान रब्बी अला तू भी ते करना वफा पे हो जाए तो दुख लगता है तो तू जड़ी सारी जिंदगी अपने रब दी ना फरमानियां करता रहा तेनू कदे ख्याल ही नहीं आया गिरामी कदर हजरत रात 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 एक माई आई हजरत नूह अलैहि सलाम को तवज्जो है ना भाई मैं पहले अर्ज किया तू अज कहना है असि सब किहड़े पेंडे पाया जाए पर पेंडे मैं तुहानू चंगे पाया जाए दुआ करो रब कोई लंबी उम्र वाला पुत्र दे आपने फरमाया माई जी तुहाडे बच्चे किन्नी उम्र दे फौत हुंदे ने माई अर्ज करदी है कोई 100 साल का मर जाता है कोई 200 साल का मर जाता है कोई 300 साल का होके मर जाता है माई अर्ज कर दी दुआ करो कि लंबी उम्र वाला पुत्र अल्लाह देवे आपने फरमाया माई तेरे पुत्र ते 100-200-300 साल दे मरदे ना आखिरी दौर च एक उम्मत आनी है उन्हां दीआं ते उम्रां 60 साल 65 साल 70 साल हो रही है 80 ते कोई कोई जाएगा माई बड़ी हैरान होके कहती है नबी अल्लाह उन्हां घर ते नहीं ना बनाने
एडी छोटी उम्र से घर बना के की करने ने। हजरत नूह फरमान लगे माई साहबा जेड़े महल उन्हें बनाने ने ना तुसा हजारा साल वाले कदे सोचे भी नहीं। अल्लाह दे नबी ने ना जवाब दिता माई चुप करके तुर पई करवाते कुल जाके जेड़ा माई ने जवाब दिता मेरा तो आधा ज़मीर जड़न वास्ते काफी है। माई मुड़ के कहन लगी नबी अल्लाह जे मैनू पता चल जे मेरी इन्नी छोटी जी उम्र है मैं सारी जिंदगी इको सजदे जी गुजार जा पूरी तेरी एक घंटे भी नहीं पैनी लखां लेटे जिहड़े अपने कपड़े नूं वट नहीं सन पहनदे रोजाना जड़े अपने चेहरे ते फिशल कराते सन जड़े खूबसूरत बनन वास्ते लख रुपए चेहरे ते लगाते सन अज कबर च उन्हां दी मिट्टी खराब होगी ते हाल पुछण वाला भी कोई नहीं। जिहड़ा कहिंदा ना मेरे कोल वेला नहीं मैं कल नमाज पढ़नी है कल ते मैं बड़ा नेक हो जाना नौजवानों पर जड़े वेले आखिरी वेला आउंदा कोई बचाल मेरे नबी ने परमा मरन वाला डुबन वाले की तरह आ डुबन वाला हाथ मार दे अज कुछ हाथ ही आ जाए मैं बच जावा मरन वाला भी कदे किसे कदे किसे वाल वेख दे अज कोई बचा ले अज कोई बचा ले मियां सा फरमांदे ने तू बेली ते सब जग बेली तू बेली ते सब जग बेली ते अनबेली भी बेली उस वेले दा कोई नहीं बेली जदों जासी जान अके आखरी वेला आता जब रूह निकल जाती है बड़े बड़े अजीज थोड़ी देर रोके फिर कहते ने जनादे दा टाइम जल्दी रखे आज असा बड़ी दूर जाना है तेरी अंगूठी भी उतार लेंदे ने घड़ी भी उतार लेंदे ने तेरा बोसकी दा सूट कट के उतारिया जाता है गुसल भी बेगाने लोग दे जाते ने जेड़े वेले कब्रिस्तान छड़ के जनाजा पढ़ देने कब्र च रखा का वेला आंदा है जिन्ना बहुता प्यार होवे मिट्टी की मुठ्ठी भर के भी पहले पाता है जिन्हू जिन्ना प्यार होवे ओनी मिट्टी डाल दे कबर बना के कहते ने असी चले अगर तू जाने ते तेरा रब जाने हुन तू जाने तेरे अमाल जानन मियां साहब फरमांदे ने लप्पी बुक्की मिट्टी पाके ए लप्पी बुक्की मिट्टी पाके आए ते कर दे देर उचेरा मुड़ नहीं पाउंदे फेरा